हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। रश्मि फूड हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी क्रिस्पी फिंगर की फिंगर रेसिपी। बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी पोहा ले लिया है, यहाँ मैंने 2 वायल आलू ले लिया है, नमक ले लिया है, बारीक कटी हुई धनिया ले लिया है और हरी मिर्च ले ली है। ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे बनते चलिए हैं फ्रेंड, करते हैं बनाना स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और ये जो मैंने एक कटोरी पोहा लिया है इसे इस पर अच्छी तरीके से डालूंगी और अच्छे से महीन इसका देखिए पाउडर फ्रेंड, हमने आलू की पोहा को अच्छी तरीके से पीस लिया है, इसका पाउडर अच्छे से बन लेना गया है। है। यहाँ पर एक बाउल और ये हमने जो 2 आलू बॉयल करके रखे हैं इसे इस तरीके से मैसर की सहायता से अच्छी तरीके से मैश कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना रहे। अच्छी तरीके से हमें इसे मैश करना है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड, आलू को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है और अब हम इस पर डालेंगे ये जो हमने पोहा का आटा बनाया था, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें एक कटी हुई बारीक मिर्च और इसमें कटी हुई ये बारीक धनिया। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी ये पोहा के फिंगर्स लगते हैं। ये देखिए, इन्हें अच्छी हमने अच्छी तरीके से मिला तरीके से लिया। सारी चीज़ों को मिला लिया है। ये हमारा जो डो है ये थोड़ा हमें अभी कड़ा लग रहा है तो इसमें आप 1 या 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो डो है बहुत ज़्यादा टाइट ना रहे, नहीं तो हमारे जो क्रिस्पी फिंगर्स हैं वो अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से 5 मिनट के लिए ढककर रख देना है ताकि जो ये इसमें हमने पोहा डाला था अच्छी तरीके से ये फ्रेंड सेट हो पांच जाए। मिनट हो चुके हैं, डो हमारा अच्छी तरीके से तैयार है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हमें इसे गोल गोल बनाना है, गोल गोल आटे की लोई की तरह। ये देखिए, आप देख पा रहे फ्रेंड, हमने होंगे गोल गोल किया था। अब हमें इसे थोड़ा लंबे शेप में इस तरीके से चॉम्पिंग बोर्ड पे पतला पतला कर लेना है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, आप जितना पतला बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा ये पोहा से क्रिस्पी फिंगर बनकर तैयार होगा। ये देखिए, अच्छा पतला हमें कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से पतला कर लिया है। अब हमें एक चाकू की मदद से इसे इस तरीके से काट लेना है। आप अपने मन के हिसाब से ज़्यादा लंबे या छोटे जिस तरीके से आपको काटना हो आप काट सकते हैं, सभी एक साइज़ के। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारे डो के ये क्रिस्पी फिंगर पोहे के बना के देखिए तैयार फ्रेंड, करना हमने है। अच्छी तरीके से ये पोहा फिंगर्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इन्हें देखिए तेल पर फ्रेंड, हमें फ्राई यहाँ पर करना हमने है। पैन लिया है, इस पर हमने ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। आप अपने मनपसंद का कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है। अब तेल हमारा जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हमने जो पोहे से बनाकर तैयार किया है फिंगर उसे इस देखिए पर फ्रेंड, फ्राई तेल हमारा करेंगे। अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इस पर एक एक करके ये फिंगर्स जो तैयार किए हैं उसे डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारे फिंगर्स डाल के तैयार ये करना है। बहुत ही इसे अच्छा स्नैक है और बहुत ही काफ़ी क्रिस्पी लगता है। ये बच्चों और बड़े सभी को पसंद आता है। आप चाहें तो इसे सुबह के चाय पर या शाम के चाय पर बनाकर झटपट से तैयार करके सर्व कर फ्रेंड, सकते कितने हैं। अच्छी हैं तरीके से ये हमारे पोहा फिंगर क्रिस्पी तलकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, कितनी बेहतरीन कलर है इनका। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट देखिए पर। फ्रेंड, बनकर तैयार है ये क्रिस्पी पोहा फिंगर। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।